नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, आज से हम साइकोलॉजी की जो रीट के अंदर जो साइकोलॉजी आती है उसके अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट में उसका नाम है बाल विकास, और उसके अंदर जो टॉपिक फर्स्ट दे रखा है अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। उसके बाद में जो टॉपिक दे रखा है विकास के सिद्धांत एवं आयाम। अगला टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। उसके बाद है अधिगम से उनका संबंध। आगे है वंश क्रम एवं वातावरण की भूमिका। तो दोस्तों, इन टॉपिकों को हम सीरीज वाइज आगे से आगे पढ़ते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना। और इससे पहले हमने वीडियो में जो साइकोलॉजी के 2-3 वीडियो बनाए थे उसमें हमने साइकोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कब हुई थी, उसके विकास यात्रा के पथ कौन कौन से थे, और साइकोलॉजी के बारे में जो परिभाषाएं दी गई अलग अलग साइकोलॉजिस्टों के द्वारा उनके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नए नए नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उसका टॉपिक का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास। तो दोस्तों देखो, अभिवृद्धि एवं विकास होता क्या है? जैसे जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है उसको तो बोलते हैं अभिवृद्धि, और जो हमारा मानसिक विकास होता है, उसे क्या बोलते हैं? विकास। जैसे इसकी देखो, इसमें डेफिनेशन मैंने लिख नहीं रखी है, आप लिख लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, विकास की डेफिनेशन हो जाएगी कि व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के उत्थान को विकास कहते हैं। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के उत्थान को विकास कहते हैं। जबकि वृद्धि किसे कहेंगे? वृद्धि या अभिवृद्धि एक ही बात है, ठीक है? वृद्धि आ जाए, अभिवृद्धि आ जाए, एक ही बात है। देखो, लेकिन वृद्धि की परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन? देखो, इसमें तो क्या है, सभी पहलुओं के उत्थान को, सभी पहलू आ जाते हैं इसमें विकास में, और शारीरिक में इसमें जो वृद्धि होती है उसमें क्या आ गया, उसमें शारीरिक पहलू के विकास को। केवल वृद्धि में क्या होता है, केवल शारीरिक विकास होता है, केवल और केवल शारीरिक विकास होता है, उसे क्या कहेंगे? अभिवृद्धि। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो दोस्तों, इनमें देखो अभिवृद्धि से, देखो अभिवृद्धि और विकास है, इनमें अंतर कर लेंगे, अपने आप ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। देखो दोस्तों, अभिवृद्धि क्या होता है, देखो अभिवृद्धि बारे में अभिवृद्धि क्या दे रखा है कि इसका क्या होता है, बाह्य स्वरूप, ठीक है? इसमें जो भी चेंज आएगा, जो भी कुछ होगा, वो बाह्य स्वरूप में होगा। जैसे व्यक्ति का शरीर बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है? जब छोटा बालक होता है उसका बाह्य स्वरूप अलग होता है, जब वो 10 साल का हो जाता है तब उसका बाह्य स्वरूप थोड़ा अलग चेंज हो जाता है, जब वो और हो जाता है 20-25 साल का तो बाह्य स्वरूप क्या हो जाएगा, और पूरा चेंज हो जाएगा। लेकिन विकास में क्या होता है, विकास में होता है आंतरिक स्वरूप। विकास क्या होता है? आंतरिक स्वरूप, जो हमें दिखाई नहीं देता है। कैसा होता है? आंतरिक स्वरूप। आगे देखो, इसका अंतर नंबर सेकंड है कि अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। अभिवृद्धि होती है वो क्या होती है, कुछ समय बाद रुक जाती है। जैसे किशोरावस्था मानी जाती है, किशोरावस्था के बाद में अभिवृद्धि नहीं होती है। जैसे अभी किशोरावस्था को माना गया है 16 साल 18 साल, ठीक है? तो अभिवृद्धि क्या होती है, 16 साल या 18 साल तक जाके क्या हो जाती है, अंत में रुक जाती है। लेकिन विकास क्या होता है, विकास होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास में क्या होता है, ये तो नहीं है कि 16 साल या 18 साल बाद में विकास उसका होगा ही नहीं, क्योंकि विकास तो क्या है, पूरी उम्र भर चलता है। 25 साल का होगा तो थोड़ा उसको और एक्सपीरियंस हो जाएगा, 30 साल का होगा तो उसका एक्सपीरियंस धीरे धीरे और बढ़ जाएगा, जैसे 40 साल का होगा 60 साल का हो जाएगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो उसका विकास क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, अभिवृद्धि का क्या होता है, संकुचित अर्थ होता है। संकुचित मतलब छोटा अर्थ होता है। अभिवृद्धि क्या होता है, संकुचित अर्थ देता है, और विकास क्या होता है, व्यापक अर्थ देता है। जैसे संकुचित का मतलब हो गया कि अभिवृद्धि होती है उसकी जो लिमिट होती है 18 साल 16 साल 18 साल या 20 साल, ठीक है? तो इसी समय में अंदर क्या होता है, अभिवृद्धि होता है, अभिवृद्धि होती है। और विकास क्या होता है, इसका व्यापक, व्यापक मतलब फैला हुआ, मतलब निरंतर चलता रहता है। आगे देखो,
अभिवृद्धि क्या होता है, निश्चित क्रम नहीं होता है। अभिवृद्धि का क्या होता है, निश्चित क्रम नहीं होता है, और विकास का क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। देखो अभिवृद्धि मतलब देखा देखा, अभिवृद्धि का क्या होता है, जैसे जो किसो जो बचपन की अवस्था होती है उसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है, फिर बाल्यावस्था आती है उसमें धीरे होता है, फिर किशोरावस्था आती है उसमें और तेज़ी से होता है, और आगे जो किशोरावस्था के बाद में जो अवस्था आती है युवावस्था, ठीक है, तो उसमें धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो उसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कभी तेज़ कभी ज़्यादा, कभी तेज़ कभी ज़्यादा, किस में, अभिवृद्धि में निश्चित क्रम नहीं होता है, कभी तेज़ कभी ज़्यादा। लेकिन विकास में क्या होता है, निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। जैसे हमारा विकास है, पहले बढ़ेगा 1%, फिर बढ़ेगा 2%, फिर धीरे धीरे 3, 4, 5, ठीक है, धीरे 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 आगे एक निश्चित क्रम में हमारा विकास होता है। आगे है अभिवृद्धि की निश्चित दिशा नहीं होती है, ठीक है, निश्चित क्रम या निश्चित दिशा, इनको एक ही बात से जोड़ सकते हैं हम, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। और विकास की क्या होती है, एक निश्चित दिशा में चलता है, एक क्रम के रूप में चलता है। आगे है अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता है, जैसे शारीरिक वृद्धि होती है तो उसका कोई लक्ष्य थोड़ी होता है, लेकिन विकास का क्या होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, ठीक है, व्यक्ति का विकास होगा तो अपना लक्ष्य तय कर लेगा। अभिवृद्धि का मापन संभव है, अभिवृद्धि का क्या है, मापन संभव है, अभिवृद्धि को शारीरिक विकास होता है उसको माप सकते हैं, ठीक है, वो मोटा कितना हुआ, लंबा कितना हुआ है, ठीक है, व्यक्ति का मापन संभव है अभिवृद्धि का। और इसमें विकास में क्या है, विकास में मापन असंभव है। आगे है रचनात्मक परिवर्तन, अभिवृद्धि में क्या होता है, रचनात्मक परिवर्तन होता है, लेकिन विकास में क्या होता है, रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे है अभिवृद्धि में परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, अभिवृद्धि में परिवर्तन कैसे होते हैं, वृद्धि सूचक, यानी विवृद्धि मतलब वृद्धि होते हैं, परिवर्तन कैसे हो गए, वृद्धि सूचक, उसमें वृद्धि होती रहती है। विकास में क्या होगा, विकास में विवृद्धि व ह्रास सूचक होता है, ठीक है, मतलब क्या होगा कि कोई व्यक्ति, कोई जो बालक है वो कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई मंद होता है, तो उसमें क्या होगा, किसी में वृद्धि हो जाएगी, किसी में हो जाएगी ह्रास हो जाएगा। आगे देखो अभिवृद्धि केवल आकार बढ़ने से संबंध रखता है, किसे, केवल आकार बढ़ने से संबंध होता है अभिवृद्धि का, लेकिन विकास में क्या होता है, विकास में सभी परिवर्तनों से संबंध होता है, सभी परिवर्तनों से संबंध होता है, क्योंकि विकास के अंदर सभी पहलुओं को साथ में गिना जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभिवृद्धि और विकास में ये पूरा जो डेफिनेशन है ये आपको बता दिया है, इनमें से क्वेश्चन एक कन्फर्म आता है, एक क्वेश्चन इनमें से कन्फर्म आता है दोस्तों, आप इनको अच्छी तरह से देख लेना। आगे है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, देखो इसमें फर्स्ट दे रखा है जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक, देखो इसके अंदर आते कौन कौन से हैं, जैसे शारीरिक रचना है, शारीरिक रचना है, जैसे शारीरिक रचना किस प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे व्यक्ति, व्यक्ति की लंबाई अच्छी होती है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा हो जाता है, कि उसको अपने शरीर से मतलब कोई टेंशन नहीं होती है, वो सोचता है अच्छा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब किसी की हाइट कम हो जाती है तो उसको बहुत सारी टेंशन होने लगती है कि मेरा शरीर कमज़ोर है, हाइट कम है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो उसका क्या हो जाएगा, विकास को, उसका जो विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं ये तत्व है, ठीक है। आगे है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, गल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, उपवरक ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पोस ग्रंथि, प्यूटूटरी ग्रंथि, यौन ग्रंथि, आगे है फिर स्नायु मंडल, फिर है बुद्धि। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि किस प्रकार से करती है, क्योंकि अगर ये ग्रंथियाँ सही तरीके से काम नहीं करेगी तो उसका विकास क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो ग्रंथियाँ दे रखी है ये अगर सही तरह से काम नहीं करेंगी तो उसका विकास प्रभावित होता है। आगे है स्नायु मंडल, ठीक है, फिर है बुद्धि, ठीक है, बुद्धि भी, बुद्धि किसी की तेज़ होती है किसी की कम होती है, वो तो वो भी क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। आगे है
देखो ये देख लेते हैं, मेरे लिए खुद ये लिखे हैं, देखो बाल विकास का जनक स्टेनले हॉल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एक, बाल विकास का जनक कौन है? स्टेनले हॉल। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लोक ने। देखो बाल विकास का जनक तो कौन है? जनक है स्टेनले हॉल। और बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? जॉन लोक। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया था? मनोवैज्ञानिक विवरण किसने दिया था? पेस्टोलॉजी किसने दिया? पेस्टोलॉजी ने दिया था। आगे देखो दोस्तों, वातावरणीय कारक कि विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। वरी भौगोलिक वातावरण, जो हमारे चारों ओर का वातावरण होता है वो कौन सा होता है? भौगोलिक वातावरण। ये किस तरह से प्रभावित करता है दोस्तों? देखो जैसे हम, हमारी जो स्कूलें होती हैं, जो कॉलेजें होती हैं, वो कहाँ पर होती है? वो थोड़ा शहर से आउट होती है, जो सिटी होता है उसे थोड़ी सी आउट रखी जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति का जो अधिगम क्षमता होती है, वो जो अगर मान लो उसको सिटी में जो विद्यालय होता है, स्कूल कॉलेज जो भी होती है, उसको सिटी के बीच में रखा जाता है, तो वहाँ पर डिस्टर्ब बहुत होता है, इसलिए उनको बाहर की साइड में, आउटसाइड में रखा जाता है। तो उससे उसका वातावरण, जो वातावरण होता है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसकी अधिगम क्षमता है वो भी अच्छी बढ़ती है। तो इस तरह से वातावरण, भौगोलिक वातावरण उसको प्रभावित करता है। अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसका अच्छा विकास होगा। आगे है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक वातावरण, जिसका पारिवारिक वातावरण अच्छा है, यानी उसके परिवार में कोई टेंशन नहीं है, जैसे कोई किसी की नौकरी है, सर्विस वाला आदमी है, तो उसके घर में कोई टेंशन नहीं होगी, अच्छे से पढ़ेंगे उसके बालक, ठीक है। और जिसके परिवार में पूरे दिन टेंशन का माहौल रहता है, तो वो विद्यार्थी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता, उसका विकास में क्या होता है, विकास में कमी हो जाती है, उसका विकास कम होता है। तो पारिवारिक वातावरण इस प्रकार से प्रभावित करता है। विद्यालय वातावरण भी प्रभावित करता है, ठीक है। विद्यालय, किसी में अच्छी पढ़ाई होती है, किसी में नहीं करवाते, जैसे सरकारी विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूलों में पहले ऐसे चलता था, आजकल तो इस पर सख्ती बढ़ती गई है। तो दोस्तों विद्यालय वातावरण इसको, विकास को प्रभावित करता है। फिर आगे है वैज्ञानिक वातावरण। वैज्ञानिक वातावरण भी उसको प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, समाज का वातावरण अच्छा होगा तो वो भी उसको प्रभावित करेगा। सांस्कृतिक पर्यावरण, ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण, वो सांस्कृतिक क्रियाकलापों में अध्ययन मतलब भाग लेगा तो क्या हो जाएगा, उसका विकास अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। और दोस्तों साइकोलॉजी है, ये धीरे धीरे पढ़ने की है, इसको समझ समझ के पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो, हमारा जो सिलेबस है उसमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है, हमें जो उसकी जो डिटेल है वो पढ़नी चाहिए, हमें उसकी जो डिटेल होती है वो पढ़नी चाहिए, कि क्वेश्चन है कहीं से भी आ जाए, हम उसको आसानी से कर सकें। आगे है जन संचार माध्यम का प्रभाव। जन संचार मतलब संचार के माध्यम हो गए, टीवी, रेडियो, जो भी जन संचार के माध्यम है उनका प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे है विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार। विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, इसमें परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? देखो हरलोक ने इन परिवर्तनों को चार भागों में विभक्त किया है। किसने? हरलोक। हरलोक ने इन परिवर्तनों को चार भागों में विभक्त किया है। हरलोक एक मनोवैज्ञानिक है। देखो चार भागों कौन से हो गए? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी आकृतियों का लोप, नवीन आकृतियों की प्राप्ति। देखो विकास क्रम में क्या होता है? आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। विकास में क्रम क्या होता है? आकार में परिवर्तन होता है, फिर उसका अनुपात में भी परिवर्तन होगा। अनुपात मतलब जैसे सिर का अनुपात, पैर का अनुपात, पेट का अनुपात, मतलब धड़, जो हमारा धड़ है, ठीक है, इनका अनुपात मतलब क्या हो जाएगा? धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ये सभी बातें डिटेल में आपको बताऊँगा मैं आगे। आगे देखो पुरानी आकृतियों का लोप,
जैसे जो छोटा बालक होता है 5 साल का होता है उसकी आकृति अलग होती है, जो आगे जाके 15 साल का हो जाता है, 20 साल का हो जाता है तो उसकी आकृति चेंज हो जाती है, तो पुरानी आकृति उसका क्या हो जाता है लोप, फिर नवीन आकृति क्या हो जाती है प्राप्ति, नवीन आकृति क्या हो जाती है प्राप्ति। फिर आगे देखो विकास के नियम, विकास के नियम कौन कौन से हैं, विकास का नियम देखो इसमें है निरंतरता का नियम, कौन सा है निरंतरता का नियम। आगे है वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है, वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है, क्योंकि वृद्धि क्या होती है वृद्धि कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, और विकास की क्या होती है एक समान निरंतर रूप से चलती है। आगे है वैयक्तिक अंतर का नियम, वैयक्तिक अंतर का नियम यानी विकास का जो नियम है, व्यक्तिक मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति होता है उसका विकास अलग होता है, कोई दूसरा व्यक्ति मान लिया उसका विकास अलग होगा, किसी का तेज़ होता है किसी का कम होता है, तभी तो बच्चे कोई इंटेलिजेंट होता है कोई मंद बुद्धि वाला होता है, कोई औसत वाला होता है, कोई जड़ बुद्धि वाला होता है, कोई मूढ़ बुद्धि वाला होता है, जो बुद्धि के प्रकार होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, वो इसी नियम पर आधारित होते हैं। कौन सा नियम वैयक्तिक अंतर का नियम। आगे है विकास क्रम की एक रूपता, विकास क्रम की एक रूपता मतलब विकास क्या होता है एक समान रूप से चलता है, और विकास क्या है सामान्य से विशेष की ओर चलता है, विकास क्या चलता है सामान्य से विशेष की ओर, पहले सामान्य रहेगा फिर क्या होगा विशेष की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है दोस्तों, एकीकरण का नियम, एकीकरण का नियम देखो, एकीकरण का नियम किसे कहेंगे, एकीकरण का नियम मतलब हो गया जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है एक व्यक्ति है उसका विकास जो जिस क्रम में चलता है उसी क्रम में चलता रहेगा, जैसे एक इंटेलिजेंट है उसका इसी क्रम में चलता रहेगा, एक मूढ़ बुद्धि वाला है जड़ बुद्धि वाला है उसका क्रम उसी रूप में चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब वो एक मतलब मूढ़ बुद्धि वाला है तो वो जड़ बुद्धि वाला मतलब मंद बुद्धि वाला है तो अचानक से उसका विकास एकदम से तेज़ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका क्रम भी क्या होगा एक समान रूप से चलेगा। आगे है परस्पर संबंध का नियम, विकास में क्या आता है परस्पर संबंध का नियम होता है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी क्या होती है संभव है भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक है वो आगे जाके क्या बनेगा। आगे है विकास की दिशा का नियम, विकास की दिशा का नियम मतलब विकास किस दिशा में चल रहा है। ठीक है आगे है दोस्तों विकास वर्तूलाकार होता है, विकास क्या होता है वर्तूलाकार, वर्तूलाकार किसे कहते हैं देखो दोस्तों ये होता है वर्तूलाकार, निश्चित क्रम से रूप में चलता रहता है आगे, ठीक है बढ़ता रहता है, इसे क्या कहते हैं वर्तूलाकार। विकास में क्या होता है परिवर्तन होता है, विकास में परिवर्तन होता है, प्रारंभिक विकास प्रवर्तिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है, जो प्रारंभिक विकास होता है ना वो बाल्यावस्था में जो शुरू शुरू में होता है ना, बाल्यावस्था से पहले की अवस्था आती है 1 से 5 की अवस्था, फिर 5 से लेकर 10 की अवस्था, फिर 10 से लेकर 16 की अवस्था किशोरावस्था, फिर आगे जो प्रारंभिक विकास होता है ना वो स्टार्टिंग से वो विकास क्या होता है अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों आगे है प्रारंभिक विकास ये पढ़ लिया हमने, आगे है विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। ठीक है जैसे शेषो अवस्था में बालक कम परिपक्व होता है आगे बढ़ेगा तो उसकी परिपक्वता क्या होगी बढ़ती जाएगी, तो विकास में क्या होता है परिपक्वता बढ़ती जाएगी और यह क्या है सीखने की उपज है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती है, विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होती है, कभी सुख ज़्यादा होता है कभी सुख कम होता है। आगे आता है विकास का सिद्धांत, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बात को अच्छे से सुना होगा अच्छे से समझा होगा, तो दोस्तों हम साइकोलॉजी को आराम से समझ समझ के पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा हमारा कौन सा विकासात्मक सिद्धांत यानी विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।